सर मैं एक बात बोलूंगा, हालांकि मैं चाह नहीं रहा था अपनी लाइफ की सच्चाई बताना। मैं भी कुछ स्टार्टिंग में नहीं पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर पागलपन आया। जब मेरे अंदर पागलपन आया तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने सब कुछ लगा दिया अपना जो कुछ भी था। और भले ही चाहे मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी बुरा लगे, लेकिन मैं सच बोलूंगा उन्होंने सब कुछ लगाया भाई। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी हुआ उन्होंने भी हाथ खड़े किए, सच्चाई है ये। हाथ खड़े करने का मतलब उन्होंने बोला कि भाई जब मैं फेल हो रहा था बार बार, मैंने एक एसएसबी दी आउट, दूसरी एसएसबी दी आउट, तीसरी दी आउट, बोला भाई तुझसे हो ही नहीं पाएगा। अब मेरे दिल में तो आग लगी हुई है, सपना चल रहा है, तो अब मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता ब्लेम। 20 साल से पाला है फिर भी हेल्प की है, नहीं कर सकता, तो क्या करूं अब। लेकिन मैं एक चीज चाहता था कि चलिए अगर आप मुझे प्लीज सपोर्ट नहीं कर रहे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे माइंड को इतना टॉर्चर मत कर दीजिए। और हालांकि ये पेरेंट्स ने नहीं किया, लेकिन फैमिली होती है, फैमिली में कुछ होते हैं लोग, पेरेंट्स तो फिर भी ये कहते हैं चल यार कर ले दे, हम तो ये चाहते हैं तो ठीक कर ले, बात ये सही है। लेकिन तुम्हें पता है आस पड़ोस सब कुछ होती है चीजें। और बोलूं इससे भी बुरा, और सुन लो, जब एक लड़का या तो पास हो जाए तो वो लड़का अच्छा है, अगर वो पहले अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में निकल गया तो वो लड़का बहुत होनहार है, उसने बुरे कर्म भी किए होंगे तो वो अच्छा हो जाता है। और वो अगर बेचारा कोई बड़ा सपना लिए बैठा है, बड़े सपने में टाइम तो लगता ही है भाई, लक से पहले में भी हो जाता है, वो फेल अगर हो गया तो उस पर लंचन लगा दिए जाते हैं, वो लड़का बदनाम कर दिया जाता है, उस पर उल्टी उल्टी सीधी बातें लगा दी जाती हैं, ये ऐसा करता होगा वैसा, पढ़ाई नहीं करता ये, तो ये काम करता है वो काम करता है। और ये वो लोग बोलते हैं जो ये खुद काम हरकते करते हैं, चार किताबें उठा के नहीं देते और लड़कों पे उल्टी सीधी बातें, और वो बेचारे। और एक बात और बताऊं, दो टाइप के लड़के फिर इसमें आ जाते हैं, एक तो जो वो नहीं पढ़ते लेकिन वो वैसे वाले होते हैं, भिड़ जाते हैं किसी से भी तो उनको कोई नहीं बोलता। एक होता है बेचारे जो उनको पता है यार इस चीज में कुछ नहीं रखा, वो चीज रखी है मेरे को वहां जाना है बस, वो बेचारे लड़ते भी नहीं किसी से, फिर वो रोते हैं अपने मन मन में, और सामने तो रो नहीं सकते क्योंकि लड़के हैं, फिर इधर उधर जाके चुपचाप सोचते हैं आंखों में आंसू, फिर पहुंच के निकल जाते हैं, फिर घर वालों के सामने हो फिर वही टॉन्ट स्टार्ट होते हैं, फिर वो रोते हैं। एक तरफ सपना बैठा है उधर, एक तरफ ये कानों में कहानियां सुन रहे हम, और बेचारे किसी के सामने बोल भी नहीं पाते, सच्चाई है बिल्कुल ये। तो सर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे लड़कों को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आप सपोर्ट नहीं कर सकते, देखो दो चीजें, या तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट नहीं कर सकते तो मॉरल सपोर्ट कीजिए, अगर इकोनॉमी का सपोर्ट नहीं हो सकता तो मॉरल तो करिए कम से कम। चलो अगर आप ये कहते हैं कि वो खेती कर लेगा, खेती कर ले भाई, कुछ है नहीं, 1 साल 6 महीने 2 साल का जितना भी मौका दे रहे दो तो सही यार उसको भाई, घर का बिजनेस, घर की खेती, ये सब तो बाद में भी कर लेगा। अरे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल में, मेरे साथ, मेरे पास हर चीज का रियल एग्जांपल है। एक लड़का भी ये बैठा था यहाँ पे, बहुत फटाफट आंसर दे रहा था, ये जो इधर बैठा था, जो एक बार क्वेश्चन भी पूछ रहा था ये लड़का, हाँ ये वहां से है, ये मिर्जापुर से, यूपी से, समझ गए भाई। इसकी मदर, मैं आपको देखो ये मेरे लिए सब कुछ है, इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, इसका एडमिशन पे मैं ही बैठा था गलती से वहां से, और जबकि मैं बैठता नहीं हूँ इसीलिए, उस समय एडमिशन के टाइम पे मैं वहीं बैठा था ऑफिस में, रॉबिन सर कुछ काम कर रहे थे। इसकी जो मदर है वो बेचारी रोने लगी, अब बिलीव नहीं करोगे, वो रोने लगी। मैंने पूछा मैं, और जबकि मैंने उनसे पूछा क्यों, बोला सर मेरा एक ये लड़का है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा ये मेरा, ये बिजनेस भी कर सकता है घर का, और हस्बैंड जो है वो कहते कि यार बिजनेस कर ले घर का कोई बात नहीं है, लेकिन सर इसका गोल है पायलट बनना चाहता है, और मैं इतने 1000 किलोमीटर दूर से लड़के लेके आई हूं इसको। मैंने कहा बेटा तू कहीं और पढ़ ले, ये पढ़ ले, इलाहाबाद के आसपास है शायद, बोला इलाहाबाद चला जाता, इसने कहा नहीं जाऊंगा तो सर के पास वहीं पे पढ़ूंगा, और रोने लगी वो। भाई अगर पैसे की बात होती तो पैसा कम है उनके पास, वो वहीं भी तो रख सकती थी उसको, लेकिन वो पैसे की वजह से नहीं लाई उसको नौकरी। ये जो नशा है ना फौज ज्वाइन करने का, ये पैसा नहीं होता यार, इतने तो हमारे जो किसान लोग होते हैं उनके खेतों में गन्ने छूट जाते हैं जितना वो वहां पर पैसा कमाएगा, लेकिन ये जुनून होता है हम लोग के अंदर, पागलपन होता है हमारे अंदर, और उसी पागलपन को लेके उसने वो बेचा। मैंने कहा आप रोइए मत प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और वो बड़ी मुश्किल से मैं बार बार रोकू वो रोना स्टार्ट हो जाए, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए भाई।
मैंने कहा कोई बात नहीं, बोला सर आप मेहनत, हमने देखी आपकी यूट्यूब पे भी, मैंने कहा जी मेहनत यहां भी कम नहीं होगी, टेंशन ना लो। तो बस उनको, तो ये तो वो एग्जाम्पल हो गया कि जो कहते हैं पैसे, देखो इसे पैसे से मत तोलिए, बस समझ में आई नहीं। तो सर दूसरी समस्या ये, अब आता हूं मैं उन लोगों के ऊपर। अच्छा एक चीज और मैं पेरेंट्स से ही कहना चाह रहा हूं, कह दूं प्लीज बुरा मत मानना, सच्चाई है ये। और इसको जोड़ के देखना सच्चाई से, मान लो मैं सबसे नीचे से आ रहा हूं, मैं एक मजदूर हूं और मैं 500 रुपया डेली कमाता हूं, मान लिया मैंने। अगर मैं कल ऐसा भी हो गया ना, मेरी ऐसी बुरी स्थिति हो गई, तब भी मैं ये सोच रखूंगा मेरे दिन की कमाई 500 रुपया है, महीने की कमाई मैं मल्टीप्लाई करने कितनी होगी, 15,000। सब मैं उस लड़के पे ना 7,000 या 8,000 रुपए महीने अपने बेटे पे खर्च करके पढ़ाऊंगा। बोलो क्यों? रीजन बताता हूं, दो चीजें हैं, या तो मैं ये बहाना ले लूं कि नहीं मैं कर नहीं सकता, खर्चा नहीं चल सकता ये, तो मैं ये सोचूंगा मुसीबत मेरे पास है, 500 कमा रहा हूं, हमें ये लड़का जो अगर नहीं कामयाब हुआ तो भी तो नहीं चलेगा, 500 की जगह 1,000 आने लग जाएगा। मैं थोड़ा सा और सोच लूंगा, जब इतनी मुसीबत है तो थोड़ी सी और ले लो यार, महीने का 15,000 है, उसको 15,000 की जगह 7,000 में काम कर लो और ले लो मुसीबत, अरे 1-2 साल ले लो जब इतनी ले ली। लेकिन नहीं, हमें तो क्या चाहिए होता, अभी चाहिए सब कुछ चाहिए तो जिंदगी में भुगतो। तो सच्चाई तो ये है, 2 साल उसको पढ़ लेने दो, भेज दो उसको पढ़ने के लिए, अगर उसके अंदर ड्रीम है तो उसे बहाना मत दो ये सब, इन सब चीजों का, मुसीबत हर किसी पे है। और अगर वो सिलेक्शन लेके आ गया तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप जो वो सब सोच रहे थे कि हम पे ये समस्या है, आप उस लड़के को पढ़ाइए तो सही, आपकी छोड़िए पूरे परिवार की जिंदगी बदल के रख देगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वैसे बहुत पेरेंट्स हैं, और चलिए ये तो जिनकी मजबूरी है, वो जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते। साहब सालों साल, 2 साल में 3 साल में चीजें बदल दी जाती हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि उस पैसे को बैंक में रख के पैसा कभी बढ़ता नहीं है, इन्वेस्ट करो। सुना व्यापारियों का, इन्वेस्ट करो। तो आप इन्वेस्ट कहां करो, अपने बच्चों पे करो। और आपने देखा होगा स्पेशली गांव में, देख लीजिए जिन घर में से लड़के जॉब करते हैं, अच्छे जॉब पोस्ट पे होते हैं या कहीं निकले होते हैं, आप देख लीजिए उनको देख लीजिए, उनकी फैमिली को देख लीजिए। पहले तो लड़का खुद चेंज होगा तो उसकी सोच चेंज होगी तो माता पिता की भी हेल्प करेगा चेंज करने में, और अपने आसपास की सबकी कर देता है, माहौल ही अच्छा कर देता है। तो नौकरी लेना सिर्फ पैसा कमाना ही थोड़ी ना होता है, नौकरी लेने के लिए बच्चे को यहां चेंज होना पड़ता है, चेंज होगा तो सोसाइटी को भी चेंज करेगा। और क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं चीजों को चेंज करते हुए आऊं उन लोगों पे, गली नुक्कड़ आसपास ये यार, रिश्तेदार यार तो खैर साथ ही देते हैं हमेशा, रिश्तेदार दोस्त तो खैर हमेशा साथ ही रहते हैं, दौड़ तो दोस्त तो दलदल में से भी उठा के ले आते हैं, रिश्तेदार हमारे, पड़ोसी हमारे, अपना बेटा चाहे कुछ, एक सेकेंड पकड़ना, अपना बेटा चाहे कुछ भी कर रहा हो, है ना, कुछ भी, दूसरे के बेटे पे नजर रखी जाएगी, क्यों, अपने की छिपानी है ना, उसको चलते चलते कमेंट कर दो, उसके पिताजी के कान में उल्टा सीधा डाल दो, तो वो भी क्या करेंगे, उसको उसको भी यहीं रख लेंगे, वो यहीं रह गया तो अपना तो पढ़ा ही यहां पे। और जिनके बच्चे कामयाब होते हैं वो पेरेंट्स कभी दूसरे के बच्चों को कभी कमेंट नहीं करते, लिखवा लो मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, क्यों, कारण सुनो, क्योंकि उनके बच्चे कामयाब कब हुए, जब उन्होंने मेहनत की, तो इसका मतलब उन माँ बाप ने देखा कि मेहनत करके कैसे कामयाब होता है, तो दूसरे के बच्चे को बोल नहीं सकते, ताकत नहीं है बोल सके, क्योंकि जमीन दवाई नहीं देगा। जिनके खुद के बच्चे कुछ नहीं कर पाए, खुद निकम्मे रहे, दूसरों पे कमेंट करते हैं, सच्चाई तो यही है फिर। और मैं ये बच्चों से, तुमसे पूछना चाह रहा हूं भाई, मेरे प्यारे बच्चों, तुम छोटे छोटे नन्ने मुन्ने अभी छोटी सी उम्र में है, तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम इन लोगों से, उन घटिया लोगों से जिन्होंने जिंदगी में कुछ मेहनत करके नहीं देखा, कमेंट कर दिया, डिमोटिवेट कर, अरे निकलो यार, बोलो उनको, निकलो हट,
साइड में से निकलो यहां से, मेरा थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो रहा है बोलते समय, पर मेरे को गुस्सा आ रहा है इस बात पे। बोला मेरी लाइफ में कुछ भी कर लूंगा यार, अगर तुम सच्चे हो ईमानदार हो तो एक दिन प्रूव कर दोगे। और मैं यही चीज बोल रहा हूं, मैं अपनी से बोल रहा हूं, मेरे साथ हुआ था ऐसा भाई। मेरे 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 को बोला गया, अबे तेरे में, मेरे को बोला गया अगर तेरे अंदर इतना ही जुनून है, पागलपन है, तो तू कुछ भी जॉब ले ले। फिर मैंने जुनून में आके, तभी मैंने आपको बताया था उस समय पर, वो नेवी का पेपर दिया, मर्चेंट नेवी का। मैंने कहा पहले ये निकालो, लिया। फिर उसके बाद कई निकाले, और जिन जिन की भी जो जो बात उठती गई मैं वही निकालता चला गया भाई। एनडीए नहीं, मैंने इतनी बार दिया, अब नहीं हुआ एसएसबी में, मुझे नहीं पता था वो क्या हो रहा था। और मैं उस समय इतना समझदार होता तो मैं आज एनडीए में होता, क्या पता मेरी किस्मत में यहां लिखा था। ऐसे तो यूं तो तुम कल को एपीजे अब्दुल कलाम पे भी उठाओगे बात, कि एपीजे अब्दुल कलाम पे एसएसबी नहीं निकली थी, अबे वो तीनों सेनाओं का मालिक बन गया था, करोगे तुम कभी बराबरी उसकी? तो क्या पता उस बच्चे में, एपीजे अब्दुल कलाम में उस समय वो अब्दुल कलाम ना हो, क्या पता उसने उन कमियों से सीखा हो अपनी जिंदगी में, और तुम उसी समय दो मिनट में इंसान को जज कर देते हो। तो कोई लड़का बाहर और अंदर की भी सुन लो, एसएसबी की भी, अगर ऐसा है एक लड़का एसएसबी में इन होके तुरंत आउट हो जाता है अगले एसएसबी में, गारंटी नहीं है। तुम इस बार एसएसबी में इन हुए तो ये नहीं पूरी जिंदगी इन हो जाओगे, अगली बार आउट हो जाता है वो। तो ये खेल ये नहीं होता, एसएसबी में नॉलेज का खेल नहीं है वो, तो वहां पे नॉक किया तो ठीक, नहीं हुआ तो बाहर। बड़े बड़े आईआईटीएन बाहर होते हैं वहां पे, ऐसे निकालते हैं, निकलो बाहर। तो नॉलेज नहीं, किताबी नॉलेज नहीं वहां पे चलती है, तो तुम उसकी नॉलेज को और उसकी मेहनत को काउंट नहीं कर सकते वहां पे। तो मेरे साथ हुआ ये भाई, मेरा तो, मेरे को तो पागल मन था, मेरे को तो वही दिखाई देता था अर्जुन की आंख की तरह, वो सॉरी चिड़िया की आंख की तरह, जैसे अर्जुन को दिखाई देती थी, मेरे को तो वही दिखाई देता था, नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी खड़गवासल दिखाई देता था। पागल हो गया मैं उसके प्यार में, मेरे को तो वही, मेरे को तो वो ट्रेन एनडीए स्पेशल ट्रेन याद, तुमको पता भी नहीं होगा आधे लोगों को, एनडीए स्पेशल ट्रेन चलती है, तो वही चीजों से पागलपन था मेरे को, क्योंकि मैं एथलेटिक्स में था उस समय 11th 12th में, तो एथलेटिक्स में मेरे को एडवेंचर पसंद था, तो मैं वहीं जाना चाह रहा था, मेरे को नहीं चाहिए था कहीं उससे नीचे। लेकिन जब गुस्सा आया तो मैंने ये भी निकाल, वो भी निकाल, और जब, और देखो कमाल की बात, मैंने खुद देखा ये चीजें, जो ये बोलते जिन्होंने उल्टे सीधे लांछन लगाए, तो वो जब फिर वो मर्चेंट ने भी निकला, फिर ये वो उसके बाद, और फिर वो सब इंस्पेक्टर ये, फिर मैंने, फिर मेरे से बोला गया भैया तेरा सब इंस्पेक्टर निकल गया, तू ये बन गया, वो बन गया, ज्वाइन कर ले। मैंने कहा क्यों करूं भाई, वो आर यू टू टेल मी, नहीं करता मैं ज्वाइन, मेरी मर्जी है, आई वॉन्ट टू शो। और उसके बाद में चाह रहा था दो चार और जॉब लेंगे, लेकिन फिर मेरे को पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, मैंने सोचा ये छोड़ भाई, मैं तो नहीं ज्वाइन करता, मेरे अंदर मैं, आज मैं एक ज्वाइन करूंगा मैं चला जाऊंगा, यहां मैं हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो हु आर यू टू टेल मी, मेरी अपनी लाइफ मैं अपने आप करूं। और आज ये हाल है, कोई मेरे से मतलब ही नहीं है बच्चे, क्यों, उनको पता है इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो इसका मतलब सबको पता है ना इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसको कुछ भी, मेरे को इतना बोला, मैंने कहा कुछ नहीं सुनना भाई, सुना था मैंने लोगों की, सुनी थी, जब मैंने सुनी थी तो मैं बैठ बैठ के भी रोया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इसकी कसम खा रहा हूं, मैं घर में छुप छुप के रोया, घर से निकल के खेत, जैसे गांव में होता है ना खेतों की तरफ जाके, मैं वहां बैठ बैठ के रोया। और मैं पता क्या सोचता था, कि या तो मुझे भगवान मार ही दे, या कुछ मेरे लिए रास्ता ही दिखा दे, क्योंकि मैं अपने एक डिसीजन पे पक्का था कि पीछे हटूंगा नहीं, जाना मेरे को वहीं है, अब ये कुछ नहीं आ रहा कह रहा मैं कुछ भी कर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को अंदर पता था कि तेरे अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, और तुम पहचान नहीं पा, अबे तुम पगलो, तुम पहचान नहीं पाते हो कुछ, तुम्हारा वो वाला हाल है कि वो हाथी नहीं था, उसको एक जंजीर से बांध देता था वो किसान, और वो पूरी जिंदगी बंधा रहता था, उसके अचानक से एक दिन गलती से पैर ऐसे लग गया, वो जंजीर